सच बेनकाब होगा, सबूत खुद बोलेंगे, प्रमाण के साथ हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि क्या वास्तविक तौर पर जो पैसा हिंदुस्तान के बाजार में था, घरों में था, गृहिणियों के पास था, किसान के पास था, मजदूर के पास था, उसकी पगार का था, सरकारी कर्मचारी के पास था, क्या वो पैसा काला धन था? यह प्रश्न उठता। पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी केवल काले धन पर टिकी हुई है, केवल अपराधी, काला बाजारी और नकली नोट रखने वाले हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चलाते हैं। यह अफसोस की बात है। आप निर्णय करें, पूरे देश को कलंकित मत करें। यह एक हकीकत है उपसभापति महोदय कि हमारी इकोनॉमी में कृषि का एक विशेष योगदान है। किसान मेहनत करता है, उसकी खून पसीने की कमाई है, वो दिन रात धूप में बरसात में मेहनत करता है, इसलिए हिंदुस्तान को हाथ नहीं फैलाना पड़ता, भीख नहीं मांगनी पड़ती, हिंदुस्तान अपना पेट खुद भरता है और अन्नदाता हमारा किसान है जो धरती को जोतता है, मेहनत करता है, वो अपनी फसल को लेके मंडी में आता है। आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी है क्या? वो टेम्पो में लाता है फसल को, ट्रैक्टर में लाता है, भाड़े की गाड़ी में लाता है, वो जब मंडी में बेचता है उसको नकद में भुगतान होता है, कई बार पूरी कीमत भी नहीं मिल पाती। ये एक हकीकत है हिंदुस्तान की। क्या वो किसान जो मंडी में उसकी फसल की कीमत उसको अदा की जाती है नकदी में, क्या वो किसान काला धन लेकर आता है, काला धन लेकर जाता है? ये प्रश्न उठता है। किसान बीज खरीदता है। आपने फैसला किया जब खरीफ की फसल की कीमत किसान को मिलनी अभी बाकी है, रबी की फसल की बिजाई शुरू होनी है, किसान को बीज खरीदना है, किसान को खाद खरीदनी है, आज क्या हालात आपने की है कि वो सब काला धन है? इतना नहीं हुआ, करोड़ों खेत मजदूर काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के खेतों के अंदर, तमाम खेत मजदूर आज बेकार हो गए। जो 200 रुपए दिन की दिहाड़ी पाता है वो एक सप्ताह से लाइन में लगा है, कतार में खड़ा है, किसी तरह से 2000 रुपया मिल जाए वो भी नहीं निकलता, मशीन काम नहीं करती, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, करोड़ों लोग लाइनों के अंदर हैं। पर केवल वहीं तक सीमित नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि देश के अधिकांश लोग जो बाहर खाना खाते हैं वो छोटे छोटे ढाबों के अंदर जाते हैं। क्या वित्त मंत्री ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कौन सा किसान ऐसा है जो अपनी धोती तहमत के अंदर क्रेडिट कार्ड की स्वाइप मशीन बांध कर आता है, चेकबुक धोती में बांध कर आता है? कौन सा ढाबा है, कौन सा फुटपाथ पे जो खाना बेचता है जो क्रेडिट कार्ड आपका लेगा? आपने तो कह दिया कैशलेस इकोनॉमी। कौन सी कैशलेस इकोनॉमी है दुनिया के अंदर? अगर दुनिया के अंदर सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी होती, आप रात करना चाहते हैं जो दुनिया में बड़े देश आज तक नहीं कर पाए। उपसभापति महोदय, वित्त मंत्री, इस पे गौर करें। अगर आपकी बात को तर्क को मान लिया जाए, बड़ा अच्छा, फिर तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक को डॉलर नहीं छापना चाहिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को यूरो नहीं छापना चाहिए और इंग्लैंड के अंदर पाउंड स्टर्लिंग नहीं छापना चाहिए? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में काम चलेगा? क्या जरूरत है पैसा छापने की? आप बाहर जाते हैं देश के, आप जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, उनको खुद तो नहीं भुगताना पड़ता, उनके कर्मचारी अधिकारी करते होंगे, पर उनको भी थोड़ा बहुत पैसा तो लोकल करेंसी चाहिए होती है। आपने क्या किया? सब लोगों को, हिंदुस्तान के तमाम नागरिक को बिना किसी वार्निंग के
हम एक सभ्य देश हैं, रूल बेस्ड रूल गवर्न्ड कंट्री है, संवैधानिक प्रजातंत्र भी है। आपने देश के सब लोगों को अपराधी बना दिया। कम से कम उनको बताते कि फलां तारीख से हम बंद करने जा रहे हैं। सरकार का तर्क आया कि अगर पहले बता देते, ये प्रधानमंत्री ने कहा, वित्त मंत्री जी आपने भी कहा, तो आतंकवादियों को फायदा हो जाता, जिनके पास काउंटरफिट पैसा है उनको फायदा हो जाता। अब ये तर्क ऐसा अजीब है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछता हूं कि जरा ये बताएं, कृपा करके ज्ञान दें। आप तो प्रधानमंत्री तो बहुत इसमें ज्ञान रखते हैं, प्रकाश दे रहे हैं देश दुनिया को। मुझे ये बताएं कि आपने ये निर्णय किया, अगर आप लोगों को कहते कि हम आपको दो सप्ताह का, एक महीने का, जो हमने हमारी सरकार के समय में भी हुआ, डिमोनेटाइजेशन पहले भी हुआ, आजादी के बाद हुआ, 1946 में पहला फैसला था, 1978 में दूसरा फैसला था, जब 1000 रुपए का नोट हटा दिया गया था, 2000 का फैसला उस वक्त की एनडीए सरकार का था जिसने 1000 का नोट वापस लाया, पर लोगों को समय दिया जाता था। मेरा प्रश्न यह है आपके माध्यम से पूरे सदन और देश देखें, क्योंकि अभी तक सिर्फ सरकार और प्रधानमंत्री का प्रवचन सुन रहे हैं, सब चैनल वही दिखाते हैं, कि कौन सा आतंकवादी बोरी भरकर रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के पास जाता कि मेरा काउंटरफिट मनी बदल दो। आपने कैसा तर्क दे दिया? अरे वही जाता जिसकी जेब में लीगल पैसा है, मेहनत का पैसा है, जिस पे वो टैक्स देगा। और आपने उसके बाद क्या किया? आपने उस पर सीमा लगा दी, दरियादिली करी, कि जो विदेशी सैलानी देश के अंदर आए हैं लाखों, मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है, और कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको वित्त मंत्री भी जानते हैं, बहुत बड़े जूरिस्ट हैं हिंदुस्तान के बाहर के, जो उस रात होटल का बिल नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने अपना पैसा एक्सचेंज कर लिया था। सरकार ने 12 बजे पाबंदी लगा दी कि जो बाहर के विदेशी नागरिक हैं वो भी केवल 6000 रुपया ले जा सकते हैं। होटल ने जो ट्रेवलर्स चेक इन कैश कर दिए थे, एयरपोर्ट पे जिनके ट्रेवलर्स इन कैश हो गए, लाखों सैलानी, उनको वापस उनका पैसा उनकी करेंसी में हिंदुस्तान ने नहीं दिया। पूरी दुनिया के अंदर यह सवाल उठ गया, पूरे आज के समाचार पत्र भरे हैं, आज के समाचार पत्र। वित्त मंत्री जी ये गौर करें, पूरे दुनिया के बड़े देशों ने, उनके एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स ने अपने देश के नागरिकों को एडवाइजरी भेज दी है कि हिंदुस्तान आने से पहले तक कई बार सोचो। आज के अखबार भरे पड़े हैं, ये पूरी दुनिया में आपने मैसेज दिया, एक संदेश कि ये देश पूरा कालाबाजारियों का देश है, 86% पैसा कालाबाजार और अपराध का पैसा है। दूसरा, तुम आप यहां पे आओगे टूरिस्ट के रूप में, होटल में ठहरोगे, हम आपका पैसा ले लेंगे, आपको ही वापस नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो चेंज कर लिया, हम तो आपको 6000 रुपया देंगे। फिर आपने और किया, बड़ी दरिया दिली करी माननीय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के लोगों पे, कहा आप पैसा निकाल सकते हो 11 तारीख, अब उसको बढ़ाते जा रहे हैं, कतार बढ़ती जा रही है, म्याद बढ़ती जा रही है। तो क्या कहा आपने? 4000 रुपया आप जाके बदल लो। धन्यवाद, ऐसे दरिया दिल वजीर आजम, वो बहादुर शाह जफर के बारे में एक शेर था कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरजू में निकल गए, दो इंतजार में। अब तो ये है, कमा कर लाए थे 4, दो कमाने में निकल गए, दो बदलने में निकल गए, दो कतार में निकल गए, दो बदलने में लग गए, दो कमाने में, दो बदलने में, 2 दिन कमाओ और 2 दिन में बदलो। एक ऐसी नई, आपने ऐसा एक हालात पैदा किए, बड़ा एहसान किया कि हर व्यक्ति को यह कहा कि तुम आओ, हम बड़े न्यायोचित निर्णय करते हैं, 4000 रुपया निकाल लो। साथ में बैंक का खाता है, हम सबका खाता है,
गरीब का भी खाता है, कर्मचारी का बैंक का अकाउंट है, बचत खाते हैं, छोटे व्यापारी का खाता है, करोड़ों खाते हैं। आपकी तो ढोलक ही जनधन योजना की है। पर अगर आप खुद कहते हो कि उनकी जांच करेंगे, आप खुद ही मान रहे हो कि वो जीरो बैलेंस के अकाउंट थे, रोज सरकार कहती है आप जांच करेंगे, उसमें पैसा आया तो सरकार कार्रवाई करेगी, तो काहे खोलवाए थे। पर दूसरी बात एक है, एक सरकारी कर्मचारी है, एक छोटा मजदूर है जो खेत में काम करता है, एक मजदूर है जो सिर पे ईंट मिट्टी लेके इमारतें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर है, कोई और लोग हैं जो सर्विस सेक्टर में हैं, हम सब लोग हैं, हमारे खाते हैं, हम उस पे टैक्स देते हैं, सरकार टैक्स लेती है, उसको आप कौन से पैसा कहेंगे? कौन सा अधिकार प्रधानमंत्री और आपका है कि बैंक में जमा खातों पे पैसा निकालने पर आप पाबंदी लगाएं? यह अधिकार किस कानून ने आपको दिया? किस संविधान ने आपको यह कानून दिया? यह कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे कि हमको अपने अकाउंट से अपना पैसा निकालने दो? ये इसको आप न्याय कहते हैं? इसको काले धन से लड़ाई कहते हैं? आपने आर्थिक अराजकता भारतवर्ष में लाई है, आपने हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो नकदी भुगतान पे चलती थी, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। आने वाला वक्त आपको बताएगा। काले धन से लड़ाई के तरीके हैं, आप पढ़े 1978 में आरबीआई के गवर्नर थे आईजी पटेल, उन्होंने क्या लिखा था? पटेल ही थे वित्त मंत्री, सरकार का फैसला था, आरबीआई के गवर्नर को कहा गया, क्या कहा गया? कि सरकार 1000, 5000 और 10000 का नोट डिमोनेटाइज करेगी। उस वक्त ऑर्डिनेंस आया था? आप तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाए, आज तो नादिर शाही है, फैसला हो गया, घोषणा हो गई, अमल करो। पर उस वक्त के गवर्नर ने लिखा था वित्त मंत्री जी, और मैं उपसभापति महोदय आपके माध्यम से सदन और देश को बताना चाहता हूं, उन्होंने फाइल पर लिखा आरबीआई के गवर्नर ने कि यह फैसला सही फैसला नहीं होगा। उसका कारण उन्होंने बताया, कारण यह बताया कि यह जो पैसा है, अगर आप सोचते हैं कि अपराध का पैसा है या जिसको आप काला धन कहते हैं, इल गॉटन मनी कहते हैं, दैट वुड बी लाइंग इन द पॉकेट्स और इन द अलमीराज और सूटकेसेस ऑफ द पीपल, दैट इज रॉन्ग एंड इट वुड बी एब्सर्ड टू थिंक दैट, आई एम रिपीटिंग हिज वर्ड्स, बिकॉज दैट मनी वुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, इन बुलियन दैट इज गोल्ड, इन सिक्योरिटीज और इन फॉरेन एक्सचेंज, और वुड हैव गॉन आउट ऑफ द कंट्री। दिस इज आई जी पटेल्स नोट। लेटर ऑन द देन फाइनेंस मिनिस्टर वन ईयर लेटर रियलाइज्ड व्हेन देयर वाज अ गोल्ड क्राइसिस एंड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट हैड टू स्टार्ट रिलीजिंग गोल्ड held by the Reserve Bank. Is this a fact or not? प्रश्न ये है कि आपने तो फैसला किया, दो बात अगर मैं सही कहूं कि आपने सब बिना डॉक्टरी के सब सर्जन बन गए, हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक है, हम भी थोड़ी सी कर लेते हैं, हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक हो। पूरे 2.5 साल मध्यावधि सरकार की आपके चुनाव जीतने की हो गए, 16 नवंबर है आज, अब सारी बात बदल दी। आप काला धन बाहर से वापस क्यों नहीं लाए? आप सवाल नहीं कर सकते, कौन है आप सवाल करने वाले? नहीं लाए। आपने 5 करोड़ रोजगार आज तक पैदा कर देने थे, 2 करोड़ एक साल में, 2.5 साल में 5 करोड़, अब सवाल नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री तो काले धन के साथ लड़ाई में जूझ रहे हैं, सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। हर आपका वायदा जो आपने लोगों को सपने दिखाए थे, आपने प्रधानमंत्री और आपकी सरकार ने वायदा खिलाफ ही हिंदुस्तान के लोगों के साथ की है, नौजवानों के साथ की है,
आज बेकारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, त्राही त्राही देश में है। आप एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, अच्छे दिन आ गए। अगर अच्छे दिन की परिभाषा यह है तो आज देश के लोग कहेंगे कि यह परिभाषा बदली जाए। जो आपने किया, आपने सारी बात पर पर्दा डाल दिया और नई बात इस तरह सनसनीखेज तरीके से आप लेकर आ गए। जो बुनियादी सवाल है, वित्त मंत्री जी, आपकी सरकार को यह जवाब देने होंगे। हमारा एक और कहना जरूरी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रवचन दिया राष्ट्र के नाम संदेश में, उम्मीद ये रखते हैं कि पूरी इंतजाम किया होगा, पूरी तैयारी की होगी। वो तैयारी जो आपने की, उसके बाद ये बद इंतजामी कैसे? अगर आपकी तैयारी पुख्ता थी, 86% करेंसी निकाल दी आपने, तो अगले दिन बैंक में उपलब्ध होनी चाहिए थी। आपने कहा वो एटीएम को रिकैलिब्रेट करेंगे, आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, तो 9 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे, 9 नवंबर को एटीएम बंद रहेंगे, ठीक बात। फिर 10 नवंबर से क्या हुआ, बैंक में पैसा नहीं, वो 2000 काला धन से लड़ने चले हो उपसभापति महोदय, 500 रुपए का नोट और 1000 का नोट रद्द कर दो, 24,000 करोड़ ये खर्चा कर रहे हैं। वो पैसा कौन सा पैसा आपके पास था? 80-80 जहाज चल रहे हैं, 100-100 हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, कोई गंगा में डुबकी लगा के वो पैसा आया था? किसका पैसा था आपका? आप आज जो साधु तपस्वी, साधु सन्यासी, त्यागी, तो पैसा किसका था? आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को, कहां से आ गया? और आज भी है प्रधानमंत्री जो गाजीपुर में गए थे, आपने कहा गाजीपुर में, इनका मैं जरूर पहुंचूंगा, वो गाजीपुर की रैली का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ था, चेक से पेमेंट हुआ था, किसने पेमेंट करी? खूब वहां पे दहाड़ रहे हैं खड़े होकर। कर्नाटक में आपके एक नेता की बच्ची की शादी हो रही है, वहां पे क्या तूफान हो रहा है? 500 करोड़ रुपया शादी में इस्तेमाल हो रहा है, सारे इनके नेता वहां पे जा रहे हैं, और काले धन के खिलाफ गिरफ्तार करो ना उसको, हंस क्यों रहे हो, पकड़ो उसको। 500 करोड़ कहां से आया? सारा दुनिया देख रही है, दुनिया के अखबार उस पर लिख रहे हैं। पर मैं एक गंभीर बात पे आना चाहता हूं, और यह आवश्यक है। वो गंभीर बात यह है, और सदन इस पर गौर करें, कि जहां एक तरफ देश में ये हालात आपने पैदा किए, दूसरी तरफ इंतजाम नहीं, पैसा नहीं, एटीएम खाली है, लोग परेशान हैं, फिर आप लोगों के घाव पर घाव भी आपने दिया, उस पर मलहम लगाने की जगह कि भाई एटीएम चलवा दो, उस पर नमक मिर्च प्रधानमंत्री वित्त मंत्री आप लोग लगा रहे हैं। रोज जो पैसा मांग रहा है, लोगों की बेटियों की शादियां रद्द हो गई, पिताओं ने माताओं ने आत्महत्याएं कर ली, बरातें वापस जा रही हैं, प्राइवेट अस्पताल पैसा नहीं ले रहा, मरीजों की लाश को रिलीज नहीं कर रहा, मरीज वहां तड़प रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। आपको जिसके जिसकी बेटी की शादी टूट गई, जिसके बाप ने आत्महत्या कर ली, जो कतार में खड़े होके मर गए, कोई संवेदन है? आप संवेदनहीनता से काम ले रहे हैं। पर सबसे गंभीर बात यह है, एक तो बद इंतजामी, पर आपने इंतजाम किया, मैं आपको बद इंतजामी नहीं कह सकता, क्योंकि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में क्या है? उस रिपोर्ट में है कि मार्च महीने से स्टेट बैंक को पता था कि ये 500 और 1000 के नोट वापस होंगे। अगर मार्च महीने से पता था तो अब स्टेट बैंक क्यों कह रहा है कि अभी रिकैलिब्रेट करने में और 3-4 हफ्ते लगेंगे? क्यों तैयारी क्यों नहीं की थी? मालूम था, गुजरात के अखबार में छप गया, अप्रैल महीने में गुजरात में समाचार पत्रों में छप गया, मैं साथ लाया हूं और सभा पटेल पे रखूंगा,
अरे छोड़िए ना, सुन लो। देखिए मैं जो कह रहा हूँ सोच के कहता हूँ, ऐसे नहीं कहता हूँ। मेरे पास सब कागज है, यह अमर उजाला का है, ये देख लो, ये है 28 अक्टूबर की खबर। अनिल शर्मा जी, सर मैं बता रहा हूँ, दैनिक दैनिक जागरण का। या प्लीज नंबर ऑफ स्पीकर, ये इसमें नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा। योर पार्टी हैज गिवन 8 नेम्स, व्हाट डू आई डू, आई विल कट इट। बिजनेस, आई विल कट योर नेम। में छप गया, कोई टाइम लिमिट नहीं है। सब ये देखिए, गुजरात के समाचार पत्र में अप्रैल महीने में खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है, मार्च में उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली कि 500 और 1000 का नोट वापस होगा। 20 अक्टूबर को यह खबर बाहर आई, अंग्रेजी के अखबार में छप गई 21 के। फिर दैनिक जागरण जो है, बड़ा अखबार है हिंदुस्तान का, दैनिक जागरण सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, उन्होंने आपका भी है, आपका उनसे झगड़ा तो नहीं हो सकता, झूठी खबर तो नहीं छापेंगे, उन्होंने भी छाप दिया। अब हुआ क्या है, यह गंभीर बात है कि जब बड़ा इतना फैसला होता है उसमें सीक्रेसी होती है, गोपनीयता होती है। प्रधानमंत्री ने और आपने कहा कि अगर हम लोगों को कह देते कि बदल लो तो आतंकवादी पैसा बदल लेते, अपराधी बदल लेते। वाह, पर आपने गोपनीयता नहीं रखी। यू नेवर कैप्ट द सीक्रेसी, दिस इंफॉर्मेशन वॉज सिलेक्टिवली लीक। योर बीजेपी यूनिट्स हैव डिपॉजिटेड करोड़। इसलिए मेरी आज ये मांग है, मेरी आज ये मांग है, अभी बताएंगे, अभी नहीं, इनपे नहीं मैं कह रहा हूं, मैं वित्त मंत्री जी का आदर करता हूं, इनको नहीं कह रहा। मेरी इस समय वित्त मंत्री के साथ पूर्ण सहानुभूति है, आप नेता सदन भी हैं, मित्र हैं, इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं, आपसे नहीं शिकायत, ये तो व्यवस्था की बात है। यहां तो हुकूमत ऐसी है, हमारे यहां एक राजस्थान में पुरानी कहावत थी, मैं आप लोगों की तरफ कह रहा हूं, इस तरफ नहीं, कि पंडित जी को कहनो है इसी गांव में रहनो है, बिलाऊ ले गई ऊंट को, हांजी हांजी कहनो है, तो आपका तो यही हिसाब है। मोदी जी कह दिया बिल्ली ले गई ऊंट को, आप भी कहोगे ले गई, मैंने भी देख लिया। तब सवाल एक है, नहीं भैया, हम पे कहां लागू होता है, हम तो बोल रहे हैं। तो सवाल यह है, यह सदन तय करे सरकार की जवाबदेही, वित्त मंत्री जी जब आप उत्तर दें, यह जांच होनी चाहिए कि अप्रैल महीने में जब गुजरात में छप गया और आज की तारीख तक, 8 तारीख तक, मध्य रात्रि तक, पर मैं कहता हूं 5 बजे बैंक होने तक, बंद होने तक, कितने लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना खरीदा, मैं पिछले तरीके बता रहा हूं आपको, कितने लोगों ने फॉरेन करेंसी खरीदी, कितने लोगों ने बुलियन में इन्वेस्ट किया और कितना पैसा, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट, दे हैव कम आउट विद अ रिपोर्ट, द अमाउंट ऑफ मनी विच लेफ्ट इंडिया बिटवीन अप्रैल एंड सेप्टेंबर। ये बातें सामने लाओ, उन लोगों की लिस्ट भी सामने लाओ, पकड़ तो लिया आपने गरीब को, उसको बना दिया काले धन का व्यापारी, उसको बना दिया अपराधी और खुद लेके चौपट हो गए। उन लोगों की कोई सूची नहीं है, क्योंकि वो आपके जब सूची निकलेगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम काले धन को दूर करने के नाम पे सामने आएगा, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर हम मांग करते हैं तो क्यों मांग करते हो, आपत्ति करते हैं क्यों आपत्ति करते हो, तो ये बात आप बंद कर दें। प्रतिपक्ष का एक कर्तव्य है, मैंने आरंभ में कहा, दोहराता हूं अंत में, काले धन के खिलाफ इस देश में कई बार कदम उठाए गए, बड़े कानून लाए गए, सूचना का अधिकार का कानून भी आया, विसल ब्लोअर एक्ट की भी बात हुई, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल की बात हुई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको आप डाइल्यूट करना चाहते हैं,
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया, पहले तो लाया, तो यह दिखाना कि आप ही करते हैं, कृपा करके ऐसा मत करो। ये देश को इस तरह से मत बांटो कि राष्ट्रभक्त और ये राष्ट्र विरोधी, आप साधु संत तपस्वी, यहां सारे दूसरे, ये कृपा करिए। यहां पे भी सब लोग देश का सोचते हैं, पर आप गरीब का सोचो, देश की इकोनॉमी का सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि मित्र है आपके भी हमारे सबके, कि आपके वित्त मंत्री काल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था ऐसी बिखरे कि आपको भी दुख हो, देश को दुख हो, और गरीब को, गरीब जो है आहत दे। मोदी जी को तो हम दीर्घायु की कामना करते हैं, और इस आग्रह के साथ कि वो बता दें कि किस क्या सूचना उनके पास है, क्योंकि कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को किसी तरह का कोई संकट हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नाउ श्री पीयूष गोयल। नाउ सी ऑनरेबल मेंबर्स, सी इवन दो बीएस नॉट अलॉटेड टाइम फॉर दिस, वी प्रोसीड ऑन द असम्पशन दैट द डिस्कशन विल बी फाइव आवर्स। सो आई थिंक इफ पॉसिबल Don't fix the limit of this speech. You want the whole country is crying. And वो बात दूसरी की, ये लोग हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं, देश रो रहा है। इसमें आप समय दीजिए बोलने के लिए, ये मत करिए। इसमें बोलने के लिए मैं बीच में आ रहा हूँ। Okay, all right, Pierce Goyal. Yes. What is the minister asked to say? दो दिन चार दिन जितने दिन चर्चा करना चाहे, हम कोई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने सुबह भी कहा कि हम पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है, इसमें जो भी सकारात्मक रचनात्मक चर्चा हो और सुझाव हो तो वो दे, और समय सीमा के तहत, क्योंकि बहुत से ऑनरेबल मेंबर बोलने वाले। ऑलराइट मिश्रा जी, एग्री टू मिश्रा जी, गवर्नमेंट इज ऑल्सो एग्रीइंग, नो प्रॉब्लम। इफ इट इज गोइंग स्पिलिंग आउट टुमारो, लेट इट, नो प्रॉब्लम, बोलिए, यू कैन स्पीक। पीयूष गोयल सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस गंभीर विषय पे चर्चा करने का। और अभी अभी हमें आनंद शर्मा जी के भाषण का भी लाभ मिला। मेरे को बहुत ज़्यादा शेरो शायरी तो नहीं आती है, वो आनंद शर्मा जी का डिपार्टमेंट है, उनको शेरो शायरी आती है, शायद थोड़ी उसमें भी चूक रह गई, वो हमारे लोगों ने ठीक कर दी थी। लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है कि अर्थतंत्र और अर्थशास्त्र के बारे में शायद कुछ कमज़ोर खबर रखते हैं मेरे मित्र आनंद शर्मा जी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने विषय को शुरुआत की, ये कह के हम काले धन की लड़ाई में हम शामिल होना चाहते हैं, हम काले धन का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम आतंकवाद में जाली नोट जो इस्तेमाल होते हैं उसका विरोध करते हैं, अगर वो वास्तव सच है तो मुझे बाकी के भाषण में जो कहा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर विषय नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या सदन और देश के सामने रखने की कोशिश की। आज पूरा देश स्वागत कर रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी की सरकार के, किस प्रकार से देश भ्रष्टाचार से दुखी था ये मैं समझता हूँ सभी जानते हैं, और उसका निर्णय भी भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन देके पूर्ण बहुमत से इस सरकार को जब लाए तो जनता की उम्मीद थी, और उस उम्मीद पर खरे उतरे हैं प्रधानमंत्री मोदी। शायद इसीलिए कुछ लोगों को ये कष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लड़ाई भ्रष्टाचार और काले धन पे पहले दिन से ही शुरू हुई थी, उस लड़ाई में ये बहुत महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया है उस पर मैं समझता हूँ पूरे सदन और हर एक राजनीतिक दल को खुशी होनी चाहिए कि इतना निर्णायक कदम देश हित में उठाया गया है। इस देश में 2007 तक ऐसा पाया गया कि लगभग 86
प्रतिशत करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोटों में चल रही थी। ऐसी परिस्थिति में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सभी दस्तावेज आते हैं कि कौन से सीरियल नंबर्स, कौन से नोट्स रिजर्व बैंक में और या स्टेट बैंक्स के या गवर्नमेंट बैंक्स की ट्रेजरी में आते हैं, तो वो आकलन लगा सकते हैं कि कौन से नोट्स सर्कुलेशन में है, कौन से नोट्स सीरीज ऑफ नोट्स सर्कुलेशन के बाहर है। उसमें ध्यान में आया कि लगभग आधे से ज्यादा करेंसी 500 और 1000 रुपए की कभी कई वर्षों से करेंसी चेस्ट में आई नहीं, और वो पैसा शायद किधर भी भारत की अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उससे आकलन आया कि काफी बड़ी मात्रा में पैसा शायद किधर दबा हुआ है या किसी ने छुपा के रखा है, शायद काला धन है। स्वाभाविक है कि उसका कोई सरकारी फिगर स्पेसिफिक तो हो नहीं सकता है, तो अगर मेरे मित्र आनंद शर्मा जी एक जवाब का बोरा लें। पीयूष गोयल जी, आर यू यील्डिंग? व्हाट कैन आई डू? सज्जन है, बैठ जाएंगे। सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप माननीय वित्त मंत्री ने जो सदन को सूचित किया है, ये मेरे पास उत्तर है, उसका आप कॉन्ट्रडिक्शन मत करें। जो पैसा कितना है काउंटरफिट, इन्होंने बताया है, या तो आप कहो कि इन्होंने गलत बताया, वरना कृपा। मैं समझता हूँ आनंद शर्मा जी ने खुद ही अपने आप प्रश्न का जवाब दिया था। वो जो प्रश्न है वो सिर्फ फेक करेंसी के बारे में, काला धन और जो पैसा भ्रष्टाचार से लोगों ने कमाया उसके बारे में नहीं है। तो मेहरबानी करके आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश ना करें। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने ये निर्णय लिया, और ये निर्णय पूरे कानूनी प्रावधान के हिसाब से लिया गया। रिजर्व बैंक के बोर्ड ने यह निर्णय लिया, उसको सरकार के पास भेजा, और सरकार ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कैबिनेट ने मंजूरी दी कि 500 और 1000 रुपए के नोट, पुराने नोटों को रद्द किया जाए, नए नोट आए, और हर एक ईमानदार को मौका दिया जाए कि वो अपना पूरा पैसा बैंक में 30 दिसंबर तक जमा कर सके। और ईमानदार पैसे पे तो कोई रोक नहीं है, जिसके पास भी ईमानदार पैसा है, अपने कैशबुक में बैलेंस होगा या अपनी पूरा कमाई होगी या अपनी बचत होगी, मैं समझता हूँ किसी को कोई रोक नहीं है अपना ईमानदार पैसा बैंक में डालने में। रोक है तो बेईमानों के लिए है, रोक है तो भ्रष्टाचारियों के लिए है, रोक है तो जाली नोट रखने वालों के लिए। अब पूरे सदन में ऐसा कौन सा सदस्य है जो ऐसे प्रतिबंध पे भी एतराज कर रहा है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर कोई कदम भारत में भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए एक कड़ी में लिया जाता है। हमने सबसे पहले कैबिनेट में एसआईटी बिठाई, एसआईटी के कई सुझाव थे, वो सब सुझाव को स्वीकार किया। जो कई वर्षों से कुछ राज्यों, कुछ देशों से पैसा गलत तरीके से भारत में आ रहा था, टैक्स फ्री बेनिफिट मिल रहा था, डीटी डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में उस पर रोक लगाई। हमने कई और देशों से करार किया जहां से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पहले नहीं होती थी। मैं समझता हूं आनंद शर्मा जी उत्तेजित हो गए ये बोलने में कि हमारे योगदान को स्वीकार नहीं किया। दायित्व है वो नाम वो सुप्रीम कोर्ट को दे, जो हमने पूरा किया है। जैसे जैसे वो कोर्ट केसेस कोर्ट में आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसकी पूरी जानकारियां और पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ दी जा रही है, और उस पर उचित पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप मेहरबानी करके ऐसे गलत तत्व ना रखें जिससे इन लुटेरों को एक मौका मिल जाए छुपने का। इसी प्रकार से कुछ अनाप शनाप आरोप आनंद जी ने जरूर लगाने की कोशिश की खर्चों के बारे में। अब तो आनंद जी 2014 के चुनाव का खर्चा सब इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, सबको सबमिटेड है और वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप मेहरबानी करके वेबसाइट खोल के आपको पूरी जानकारियां मिल जाएंगी 2014 में क्या खर्चा हुआ, और आपके जो ये आरोप हैं, इन आरोपों में कितना तत्व है और कितना
गलत आपने अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। हेलीकॉप्टर पानी चल रहा था, बोलो ना। वैसे तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जिससे आगे चल के हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा भ्रष्टाचार करने के पहले, हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा काला बाजारी करने के पहले। और आप इसका स्वाभाविक एक दो मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे लेफ्ट के मित्र हैं यहाँ पे, कई ट्रेड यूनियन वगैरह चलाते हैं। इसका एक सीधा लाभ, जैसे जैसे सभी कंपनियां सभी लोगों को आदत पड़े कि हम सभी को चेक से तनख्वाह दें, तो सीधा लाभ होगा तो गरीब मजदूर को होगा। आज हम सब जानते हैं कि गरीब मजदूर को जो तनख्वाह दी जाती है वो कैश में इसलिए दी जाती है कि कई बार मिनिमम वेजेस का भी उल्लंघन होता है। हमने मिनिमम वेजेस को, न्यूनतम जो वेजेस कामगार को मिलती है उसको 42% बढ़ाया पिछले सदन में, पिछले सदन की सत्र में, और 42% बढ़ाने के बाद ये लाभ गरीब मजदूर तक पहुंचे उसका एकमात्र तरीका यह है कि सब चेक से पे करें, सब मजदूरों को चेक मिले। और इसके लिए शुरू से ही इसी के लिए शुरू से ही हमने जनधन अकाउंट पे फोकस किया। जनधन अकाउंट खोले गए, हर एक व्यक्ति के पास परिवार में एक अकाउंट खोला गया। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे एक एक व्यवहार ईमानदार होने लगेगा, वैसे वैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अधिक राजस्व भी मिलेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और उसी से ईमानदार राज्य और केंद्र सरकारें देश में कल्याणकारी कार्य और ज्यादा अधिक मात्रा में करने लगेंगी। ये एक ऐसा कदम है उपाध्यक्ष महोदय जिसमें हम समझते थे पूरे सदन में सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर कुछ चंद ही दिनों की कठिनाई में अगर हम सब एक साथ लड़ते और जूझते तो ये कठिनाई भी कम होती और जल्द से जल्द लोगों को इसके लाभ दिखने मिलते। पर खैर, अब दुर्भाग्य की बात है कि इन राजनीतिक दलों को कोई कारणवश इसका विरोध करना पड़ रहा है, या शायद चिंता है कि ये जनता ने बहुत इस बात को पसंद किया है और इस बात की सराहना की है कि पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री और सरकार आई है जो वास्तव में काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही तेज लड़ाई, बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ने को तैयार है। और मैं समझता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें राष्ट्र और देश का हित का ही काम है। और इसलिए अगर कोई कहे कि ये चीज का हम विरोध करते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई पूछेगा कि क्या भ्रष्टाचार और काले धन का समर्थन करते हैं जो इस इतने अच्छे कदम को विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार से मेरे ख्याल से ये कदम है जो आगे चल के देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईमानदार बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा राजस्व जो गरीब और देश की जनता के कल्याण कार्य में लग सके, महंगाई कम कर सके, जो ब्याज के दर कम कर सके, और पूरे देश में जो विकास की यात्रा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जो विकास की यात्रा बहुत ही जोर शोर से पूरे देश में चलाई है, इसमें हम सफलता पाए, इसमें देश में आगे चल के और लाभ सभी जनता को मिल सके। आप सभी जानते हैं कि इसी कड़ी में एक प्रकार से अगर हम व्यापार को देखें तो व्यापार में भी हम सभी जानते हैं कि कई जगह पे टैक्स की इवेजन की खबर आती है। एक आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार व्यापारी या बिजनेसमैन के साथ है। तो अगर वैसा होता और आपके कहने में तत्व होता कि वो सिर्फ उनके साथ है और वो उनको लाभ दिलाना चाहते हैं तो काला धन पे रोक लगाने के लिए ये कदम कोई उठाता ही नहीं। मैं समझता हूँ ये कदम उठाने से साबित होता है कि जो भी काला धन करते हैं, जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ जंग लड़ने की अगर ताकत है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी में है।
उल्टे कई राज्य सरकारों से तो ये भी खबर आ रही है, कई राज्य सरकारों से खबर आ रही है कि उनके जो ओवरड्यूज है, जो उनकी जो कलेक्शन नहीं हो रही थी, और उत्तर प्रदेश से भी हमें जानकारी थी कि उत्तर प्रदेश में भी सब ओवरड्यूज कॉरपोरेशन के सरकार के अब क्लियर हो रहे हैं, पे हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं हमने तो ईमानदार लोगों को ईमानदारी की तरफ और एक अच्छा कदम दिया, इसमें तो आपने स्वागत करना चाहिए, आपकी सरकारों को पैसा मिल रहा है। तो ये एक तय हो जाए कि इस सदन में कौन भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और कौन कानून के साथ सभी व्यापार को, सभी उद्योग को, सभी कारोबार को कानून के साथ जोड़ के काला धन को खत्म करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता इस बात को समझ रही है कि जब गोपनीय रखा गया ये फैसला तो उससे थोड़ी तो समस्या कुछ दिन तक होगी, चाहे वो एटीएम को रिकैलिब्रेट करने में हो, चाहे वो पैसा अलग अलग जगह तक पहुंचाने में हो। लेकिन जितनी जगह से हमने रिपोर्ट ली सभी जनता कहती है हम थोड़ा कष्ट सहन कर लेंगे। और मैं आज आप सबके माध्यम से जनता से अनुरोध करूंगा कि कोई जल्दी नहीं है, आप 30 दिसंबर तक अपना ईमानदार पैसा जमा कर सकते हैं। कोई भी महिला का बचत का पैसा, कोई भी कारोबार में लगाया हुआ ईमानदार पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी ईमानदार के पैसे को एक रुपए का नुकसान नहीं आएगा इस स्कीम के कारण। नुकसान होगा तो बेईमानों और भ्रष्टाचारों का नुकसान होगा, और ईमानदार लोगों को जल्दबाजी करने के बदले उल्टे मुझे खुद को लगा कि मैं लाइन में खड़े होके पैसे निकालूं, कितना ध्यान आया कि मैं तो क्रेडिट कार्ड से निकाल सकता हूं, कोई ज्यादा जरूरतमंद आदमी पहले खड़े होके पैसा निकाल ले, मैं बाद में जाके निकाल लूंगा। तो इसीलिए मेरा आप सबसे दरख्वास्त है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अपना व्यवहार कर सकते हैं उनको प्रोत्साहन देने में आप लोग भी मदद करें, आप लोग भी इस काम में हमारे साथ जुड़े और आगे चल के ईमानदारी का सम्मान हो और बेईमानी का नुकसान हो, इस कार्य में पूरा सदन एक स्वर से देश को सूचना दे, पूरा सदन इसका समर्थन करे और पूरा सदन देश में जिस प्रकार से हमने भ्रष्टाचार और बेईमानी और काला बाजारी पर लड़ाई लड़ी है, इसमें हम सब मिलके देश को एक ऐसा संदेश दे कि हम सभी राजनीतिक दल इसके खिलाफ हैं और आगे चल के पारदर्शिता और ईमानदारी से देश चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्री पीयूष गोयल जी। नाउ प्रोफेसर राम गोपाल यादव। थैंक यू सर। सर मायावती जी ने बहुत ही अच्छा यहां प्रश्न उठाया और हमें अभी तक का ये ख्याल था कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में होंगे, लेकिन अभी अभी बताया कि लोकसभा एडजर्न हो गया है क्योंकि किसी माननीय सदस्य की मृत्यु की वजह से आज लोकसभा नहीं चल रहा। कल माननीय वित्त मंत्री आल पार्टी मीटिंग में थे और मैंने उसमें भी बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को विपक्ष के जो भावना है वो सुननी चाहे, क्योंकि आम तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आल पार्टी मीटिंग में भी आखिर के आधे या 15 मिनट के लिए आते हैं, तो तब तक मेन पॉलिटिकल पार्टीज, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बोल चुकी होती हैं, तब तक इंडिविजुअल या एक पार्टी वाला या नॉमिनेटेड मेंबर बोलता है। लेकिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज माननीय प्रधानमंत्री की अब्सेंस में बोलते हैं, तो जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी को विपक्ष के लीडरों की या बड़ी पार्टियों की भावनाएं, चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग में हो या सदन के अंदर हो, उसकी जानकारी नहीं होती है। और शायद मैंने कहा था कि अगर माननीय प्रधानमंत्री सभी
विपक्ष के नेताओं की भाषण चाहे ऑल पार्टी मीटिंग में सुने या सदन के अंदर सुने तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, बहुत चीजों के बारे में उन्हें जानकारी भी रह सकती है। तो चूंकि आज लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हैं, तो मायावती जी ने जो मांग की थी और मेरे ख्याल में सभी यादव जी की भी, शरद जी की भी और दूसरी पार्टीज की भी, सबकी वही मांग है कि माननीय, अब हमारे डिप्टी लीडर तो बोल चुके लेकिन अभी भी माननीय बड़ी बड़ी पार्टियों के जो लीडर्स हैं, सामान्य लीडर्स हैं और बड़े सीनियर लीडर्स हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, शरद जी इधर ये भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मायावती जी, शरद यादव जी, हमारे प्रोफेसर यादव साहब, ये बहुत सभी पार्टीज के लीडर्स हैं, कम से कम इनकी भावनाएं तो सुने, वरना प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, विपक्ष क्या बोलता है, हम अलग अलग धारा में जा रहे हैं। तो अगर किसी कंक्लूजन पे आना है तो हम खाली, हम तो टेलीविजन पे माननीय प्रधानमंत्री को सुनते हैं लेकिन हमारी आवाज तो टेलीविजन वाला भी नहीं दिखाता, अखबार वाला भी नहीं दिखाता और प्रधानमंत्री भी जी नहीं सुनते, तो हमारी आवाज कौन सुनेगा और उस पर निर्णय कैसे होगा। इसलिए मेरी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कम से कम बड़ी पार्टीज, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर वो पूरे दो दिन बैठे और सभी महानुभाव एमपीज की भावनाओं को समझें, लेकिन कम से कम जो बड़ी पार्टीज हैं 6-7, तो आज के दिन तो सदन में बैठे और उनकी भावनाएं सुने, ये मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री। मैं कोई ब्लैक मनी, कोई ब्लैक मनी, मैंने आज देखा माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ पैसा अपना जब लेने गई, जिंदगी भर में 4500 रुपया उन्होंने अपना रख पाया, एक एक रुपया, एक एक पैसा बचा के उन्होंने किया और बदला जाके पैसा। ये हालत हर माँ की है और तमाम महिलाएं हार्ट अटैक से डेथ हो गई उनकी, जिंदगी भर की कमाई उन्हें लगता है कि हमने 5 रुपया 2 रुपया कमा के, वो ज्यादा हो जाता है तो 500 का नोट ले लिया, 1000 का नोट ले लिया। आप देखिए जाके, मेरी प्रार्थना है बीजेपी के लोगों से कि गांव में और छोटे शहरों में जो बैंक, जो लाइनें लगी हुई हैं, उनमें खड़े हुए आदमियों को देखें और महिलाओं को देखें कि उनकी सकल सूरत कैसी है। उनमें वोट मांगने जाएंगे तभी आपको अंदाज नहीं, आपको लगता बहुत बढ़िया है, ये कह रहे थे अभी अभी गोयल साहब बोल रहे थे, बड़ा लोग प्रसन्न है, लोग प्रसन्न है। मैंने कल परसों कहा था कि अगर गांव में चले गए आप वोट मांगने तो महिलाएं जो रोटी बनाने वाला बेलन होती हैं उस बेलन से पीठ एक सी कर देंगी। ये हालत है आज के दिन, अभी जल्दी चुनाव मत करा देना, अगर जल्दी चुनाव करा दिया तो आपके कार्यकर्ताओं की पीठ पे हल्दी से सफाई करना ही पड़ेगी, महिलाएं इतना मारेंगी। ये एक रियलिटी है, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मजाक में नहीं कह रहा हूं। और जो पैसा आ रहा है, जो जमा हो रहा है बैंकों में, आपने रिजर्व बैंक के जरिए कोऑपरेटिव बैंक्स पर पाबंदी लगा दी कि आप पैसा जमा नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि गरीब और किसान जो है ज़्यादातर पैसा कोऑपरेटिव बैंक से लेता है, अब कोऑपरेटिव बैंक पर रोक लगा दी, आप कोई पैसा ले ही नहीं सकते। सोसाइटी पर, पूरी सोसाइटी, 90% किसान कर्ज लेता है कोऑपरेटिव सोसाइटियों से, कोऑपरेटिव बैंक से, उस पर रोक लगा दी गई है कि कोई पैसा नहीं जमा कर सकता है। ना प्रोफेसर साहब, लोगों प्रोफेसर साहब, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू योर स्पीच एट 2 PM।